press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नहीं, बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है कि सिंटा को हर तरीके की बधाई दी जानी चाहिए और उनकी बहुत सारी प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। ये जो पहल उन्होंने उठाई है और ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है एक्टर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि एक्टर्स के लिए खासकर कि वो जो लोग इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग रोल्स में हैं, उनसे वार्तालाप कर पाएँ और बहुत क्या बात है वो लोग ऐसे लोगों से वार्तालाप कर पाएँ, यंग एक्टर्स, नए एक्टर्स, एस्पिरेंट्स जो हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि एक्टिंग जो है वो एक अजीब सा काम है, वो एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें एक्चुअली जितनी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जितनी आपके विचारों की ग्रोथ होगी, जितने आप एज अ पर्सन डिवेलप करेंगे उतना आपका एक्टिंग बेहतर होगा। बिकॉज एज एक्टर्स व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बेसिकली टैपिंग इनटू एवरीथिंग यू हैव इनसाइड यू टू क्रिएट दैट वर्क ऑफ आर्ट। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट एंड आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल सिंटा को एंड आई एम वेरी अमेज्ड एंड बाय दिस एफर्ट ऑफ देयर्स। अभी आप एक सेशन अटेंड करके आए, कितना लाइक वो सेशन में कितना सीखने मिला और क्या सीखने मिला जो अब तक आपको नहीं पता था ऐसा? नहीं, बहुत अच्छा था। मेरा सेशन क्रिटिक्स के साथ था तो क्रिटिक्स की अपनी जो पर्सपेक्टिव होती है वो सुनने को मिली एंड आई थिंक कि हमने हमारी बहुत अच्छी ऑनेस्ट डायनामिक कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए और फिल्मों का जो जिस तरीके से फिल्में बनती हैं, जिस तरीके से रिलीज़ होती हैं और जिस तरीके से देखी जाती हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें करी एंड आई थिंक दैट देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट। आई थिंक बिल्कुल सही बात है कि एक्टिंग, यू नो, एनी बडी जिन्हें लगता है कि फिल्म मेकिंग बस मैं मेरे बारे में वो झूठ बोल रहा है या वो यू नो डिल्यूजनल है, क्योंकि फिल्म मेकिंग 100% एक टीम एफर्ट है और उसमें नॉट जस्ट वो सारे लोग फिल्मों को बनाने में इतने अलग अलग लोगों की मेहनत लगती है और नॉट जस्ट जो आपको कैमरे पे दिखते हैं या जिनके नाम आप पढ़ते हैं, इवन द आई एम टॉकिंग अबाउट HODs एंड ऑल, द फैक्ट इज़ दैट द लेबर ऑफ सो मेनी वर्किंग क्लास पीपल गोज इन टू मेकिंग फिल्म। मैं आर्ट डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, लाइट बॉयज़ और लाइटिंग टीम्स की बात कर रही हूँ, स्पॉट टीम जो प्रोडक्शन टीम होती है उनकी बात कर रही हूँ। आप अगर एक दिन के लिए स्पॉट टीम को निकाल दो फिल्म के सेट से, जो आप हमें चाय पिलाते हैं, जो पेटियाँ हमारी संभालते हैं, जो पानी देते हैं, जो चेयर्स निकालते हैं, हम फिल्म नहीं शूट कर पाएंगे। दिस इज़ द फैक्ट। सो आई थिंक दैट वी मस्ट ऑल, आई थिंक एंड स्पेशली एज एक्टर्स, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले जाते हैं, मुझे लगता है सब कभी कभी मुझे लगता है सबसे कम काम करके हमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट और सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, पर आई थिंक कि हमें हमेशा इसके बारे में बहुत अवेयर रहना चाहिए कि फिल्म मेकिंग पे चाहे आपको पर्दे पे जो दिखता हो लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो सैकड़ों लोगों की है, सिर्फ आपकी अपनी नहीं है। सर, हम अभी कुछ समय से एक वीडियो देख रहे हैं जो आपने बड़े फनी अंदाज में ट्रोलर्स को जवाब दिया, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को बताएं, बहुत अच्छा तरीका है जवाब देने। नहीं, मैंने बस सोचा कि यू नो एक चीज़ कहते हैं ना कि मुझे हमेशा लगता है कि जो लोग गालियाँ देने का मादा रखते हैं उन्हें वापस गालियाँ सुनने का भी मादा रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है खास करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप तो अपनी एनोनिमिटी के पीछे छिप के गालियाँ दे रहे हैं, आप अपने उनमें से कई ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगाने का दम नहीं है जिनके अंदर, वो आपने एग बना रखा है या किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा रखी है। आई थिंक कि आप ना हमारी शराफत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि पब्लिक पर्सनैलिटी है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो शरीफ होना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हमने शराफत छोड़ दी उस दिन फिर हम भी वापस वही आपके ही अंदाज में आपको वापस दे सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था कि बहुत हुआ सम्मान। Yeah, it's complicated. It is very complicated. I think that
I personally feel that you should not judge a film's value by its box office collection, because so many of our most precious and cult iconic films were actually box office disasters. And box office collection की अपनी एक economics होती है, you know, उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, marketing जाता है, release जाता है, platform जाता है, distribution का एक अपना पूरा होता है. I think that everyone should be able to watch films and judge it for themselves. And of course, there will be films that are universally liked that will do very well, and we'll always remember them very fondly. But that doesn't mean that the films that didn't do well were necessarily bad films. You know, it's art. It's open to interpretation. Everyone will have their own opinion on it.